देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाकर 3 मई किए जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस की चुनौतियों तथा लॉकडाउन के संबंध में मंडल के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, ADM City राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मंडल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गई तैयारियों की समीक्षा के साथ हॉटस्पॉट स्थलों की निगरानी, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की तथा कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन ही बेहतर विकल्प है, इसलिए इसका पालन किया जाए। इसको बंद कर दीजिए, वैसे बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। आज की ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस आपको निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी अभी देंगे उसकी, और आज ही सुबह प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। जो कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, जो उसकी एक मैथमेटिकल मॉडलिंग थी, तो इस समय तक भारत में लाखों केसेस हो गए होंगे, जो कि 10,000 की संख्या पहुंची है। लाखों केसेस यहां हो चुके हैं और उसी के क्रम में ये जनपद से आते हैं, और 44 जनपद में कहीं कहीं तो ऐसे प्रकरण है जहां सिर्फ एक केस है, और कहीं कहीं पर क्लस्टर्स है, किन्हीं किन्हीं मोहल्लों में एक ही जगह पर एक ही घर में 2-4-5 है। आप जानते हैं कि जहां भी एक से ज्यादा होता है उसको क्लस्टर माना जाता है, और फिर आप क्लस्टर कंटेनमेंट एक्सरसाइज करते हैं। अगर सिंगल केस है कहीं, तो जो अब आप इसको हॉटस्पॉट कहते हैं, उस हॉटस्पॉट में सिंगल केस में 1 किलोमीटर रेडियस में आप क्लस्टर कंटेनमेंट करते हैं। अगर मल्टीपल केसेस हो तो आप 3 किलोमीटर के रेडियस में क्लस्टर कंटेनमेंट करते हैं, और 3 किलोमीटर के आगे 2 किलोमीटर का बफर जोन होता है, उस बफर जोन पर भी हम नजर रखते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो जिसके लिए लॉकडाउन है और रोका गया, वो ये कि जो वायरस है कोरोना वायरस, इसकी अपनी कोई गति नहीं। अगर वायरस हवा में आया तो ऐसा नहीं है कि एयरबोर्न वो चला जा रहा है कहीं और पहुंच जाए, उसकी अपनी गति नहीं। वायरस की गति वही है जो इंसान की गति। अगर इंसान हवाई जहाज से चलेगा तो वायरस उसकी स्पीड से मूव करेगा, अगर इंसान कार से चलेगा तो वायरस उसकी स्पीड से मूव करेगा, अगर इंसान पैदल चलेगा तो वायरस उसकी स्पीड से मूव करेगा, अगर इंसान रुक जाएगा तो वायरस वहीं पर रुक जाएगा। और जो वायरस है, जिस जब सर्वेलेंस भी आप करते हैं, तो जैसे जो विदेशों से भी आए, तो 28 दिन का पीरियड ऑप्टिमम पीरियड, जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति में वायरस है तो वो जो भी उसका इफेक्ट होना है वो करके वो उससे फिर वायरस से वो मुक्त हो जाए, इसीलिए 28 दिन के बाद उसको सर्वेलेंस से बाहर निकाल देते हैं। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी होगा तो भी उसका जो वायरस है उसका वो खुद का खुद शरीर एंटीबॉडीज बना लेगा, और एंटीबॉडीज बना करके वो फिर वायरस को फाइट करके वायरस को परास्त कर देगा, या वो व्यक्ति अगर एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा उसका शरीर, अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, अगर वो डायबिटीज का शिकार है, ब्लड प्रेशर का शिकार है, कैंसर का शिकार है, या उसको किडनी की समस्या है, इस तरह की बीमारियां हैं, या फिर वो ओल्ड एज का व्यक्ति तो उसका शरीर उस तरह की एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत होगी, उसकी बहुत तबीयत खराब होगी, किसी किसी केस में वो वेंटिलेटर तक भी पहुंच सकता है। और ये लॉकडाउन की पूरी फिलॉसफी यही है कि जहां पर लोग हैं वहीं रुकें, वहां से मूव न करें।